गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दिसंबर 2019 के अंदर जो हम लोगों को GSTR 3B फाइल करना है 20 जनवरी 2020 से पहले, उसमें काफी बड़ी कंफ्यूजन जो है लोगों के अंदर क्रिएट हो चुकी है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी दिसंबर 19 में 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट अपडेट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया है आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर 75/2019 जो कि 26 दिसंबर 2019 को आया था। जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है वो इसी नोटिफिकेशन की वजह से क्रिएट हुआ है। इसमें क्या बताया गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 164 of the CGST Act 2017, the central government, on the recommendation of the council, hereby makes the following rules further to amend the CGST rules 2017. इसमें CGST rules को amend किया गया था। These rules may be called CGST 9th Amendment Rule 2019, save as otherwise they shall come into force on the date of their publication in the official gazette. ये जो नोटिफिकेशन है ये उस दिन इनफोर्स आएगी जब ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगी। इसका पॉइंट नंबर 2 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज की बात कर रहा है, इन द सीजीएसटी रूल्स 2017 हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज द सेड रूल्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 जनवरी 2020 इन रूल 36 इन सब रूल 4 फॉर द फिगर्स एंड वर्ड्स 20% The figures and words 10% shall be substituted. अब यहां पर लोगों को क्या confusion आ रहा है, अगर आपको याद हो तो rule 36 sub rule 4 9 अक्टूबर 2019 को notify किया गया था। उसमें यह बताया गया था कि आप जो invoices का credit लेंगे वो तभी मिलेगा जब वो invoice आपके GSTR 2A में reflect करेगा। अगर आपके GSTR 2A में invoice reflect नहीं कर रहा तो उसका क्रेडिट आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा 20% ऑफ द अपलोडेड इनवॉइसेस तक। 9 अक्टूबर 2019 को ये नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद 1 जनवरी 2020 को वो जो 20% वाली लिमिट थी उसको घटा करके कर दिया गया है 10%। अब सबसे पहला कंफ्यूजन जो लोगों में आ रहा है, जो दिसंबर 19 में हमने परचेज किया, जो इनवॉइसेस हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर क्लेम किए हैं दिसंबर 2019 में, क्या उसमें ये 10% वाला नियम लगेगा या फिर 20% वाला नियम लगेगा? क्योंकि 1 जनवरी 2020 से 20% को 10% कर दिया गया है और हम लोग दिसंबर की रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो 1 जनवरी के बाद ही फाइल करेंगे। तो यहां पे सबसे पहला क्लैरिटी आप समझ लीजिए कि जब नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2020 को लागू होगा तो वो उसी इनवॉइसेस पे लागू होगा जो 1 जनवरी 2020 या उसके बाद इशू किया गया हो। अगर कोई भी इनवॉइस 1 जनवरी 2020 या उससे पहले का है उसमें आपको 20% की ही कैलकुलेशन लेकर के चलनी होगी। उसमें आप 10% वाला कंडीशन लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है 1 जनवरी 2020 से इंप्लीमेंट हुआ और नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट जब होगा तभी इनवॉइसेस के ऊपर जो है कंडीशंस लगेंगी। इस चीज को आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। उसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने ओपन किया है एक सर्कुलर जो कि सीबीआईसी की तरफ से इशू किया गया था। इस सर्कुलर में क्या बताया गया है वो भी मैं आपको दिखाता हूं तो आपको इससे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि 1 जनवरी से लगना चाहिए या 1 जनवरी से पहले के इनवॉइसेस के ऊपर भी लग जाना चाहिए। ये है हमारे पास सर्कुलर नंबर 123। ये इशू हुआ था 11 नवंबर 2019 को। इसके अंदर कुछ जब रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी 36(4) के अंदर 9 अक्टूबर को, तो कुछ पॉइंट्स थे जो लोगों के दिमाग में आ रहे थे, उस पॉइंट्स को क्लेरिफाई किया था सीबीआईसी ने सर्कुलर के द्वारा। इसमें यह बताया गया था, द कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी फॉर द आईटीसी दैट मे बी अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। दिस बीइंग अ न्यू प्रोविजन द रेस्ट्रिक्शन इज नॉट इंपोज्ड थ्रू द कॉमन पोर्टल एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर
that the credit is availed in terms of the said rule, and therefore the availment of restricted credit in terms of subrule 4 of rule 36 of the CGST rules shall be done on self-assessment basis by the taxpayers. और ये जो आपको कैलकुलेशन करना है ये सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे करना है, पोर्टल आपको इसमें कुछ भी करके नहीं देगा। इसका जो सबसे पहला इशू जो इन्होंने एड्रेस किया था वो था व्हाट आर द इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स ऑन विच रेस्ट्रिक्शन अंडर रूल 36 सब रूल 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स शैल अप्लाई। कौन से इनवॉइसेस, कौन से डेबिट नोट्स हैं जिसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन 36(4) वाला अप्लाई होगा। पहले 20% था, अब 10% है। हम लोग एक मैक्रो लेवल पे देखेंगे कि कौन से इनवॉइसेस पे ये लागू होगा, मतलब किस डेट के इनवॉइसेस के बाद ये लागू किया जाता है। इस चीज को बैकड्रॉप में रखिएगा कि 9 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद ये सर्कुलर इशू किया गया है। इसमें क्या बताया गया, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इज इम्पोज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स डिटेल्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड बाय द सप्लायर्स Under subsection 1 of section 37 and which have not been uploaded, वो invoices, वो debit notes जो कि section 37 subsection 1 के अंदर upload होने के लिए liable हैं, मतलब GSTR 1 में upload होने चाहिए और वो upload नहीं होते हैं, उसके ऊपर ये restrictions लगाई जाएगी। Therefore, taxpayers may avail full ITC in respect of IGST paid on imports. इसीलिए अगर आपने कोई आईजीएसटी पेमेंट करा है ऑन इंपोर्ट तो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स इशूड अंडर आरसीएम, अगर आप रिवर्स चार्ज का पेमेंट करके क्रेडिट लेते हैं उसका 100% आप ले सकते हैं। क्रेडिट्स रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं तो उसमें भी आप 100% क्लेम कर सकते हैं। विच आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के परव्यू से इन सारे इनवॉइसेस को बाहर किया गया है। प्रोवाइडेड दैट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी आर मेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द से, और जो भी एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उन इनवॉइसेस के लिए वो आपने फुलफिल कर दिए हो। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 36(4) विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स on which credit is availed after 9th October 2019. तो अब इस चीज को समझिएगा कि restrictions, जब 9 अक्टूबर को ये notification आया तो ये restrictions specify किया जा रहा है, affix किया जा रहा है सिर्फ उस invoices पे या उस debit note पे जो आप 9 अक्टूबर के बाद credit claim कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई invoice 9 अक्टूबर से पहले का है और उसका क्रेडिट आप क्लेम कर रहे हैं 9 अक्टूबर के बाद, उस पे लग जाएगा। लेकिन अगर 9 अक्टूबर के बाद का इनवॉइसेस है उस पे तो ऑटोमेटिकली ये चीज लागू हो ही जाएगी, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद अगर कोई इनवॉइस है तो उसका क्रेडिट आप उससे पहले क्लेम कैसे कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि 10% वाले में ये चीज कैसे फिट बैठ रही है। सपोज आपने कोई इनवॉइस लिया है 25 दिसंबर 2019 को, तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करेंगे वो दिसंबर महीने की ही रिटर्न में करेंगे, ना कि जनवरी महीने की रिटर्न में। अगर आप कोई दिसंबर महीने का इनवॉइस दिसंबर महीने में मिस कर जाते हैं और उसका क्रेडिट आप क्लेम करते हैं जनवरी 19 की 3B में जो आप फाइल करेंगे फरवरी की महीने में, उसमें आपको फिर 10% का नियम जो है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स जो भी क्रेडिट आप क्लेम करेंगे उसमें आपको 10% वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ये पॉइंट जो है टेक्निकल है, इस चीज को लेकर के काफी लोगों में कंफ्यूजन भी क्रिएटेड है अभी, और जीएसटीआर 3B के अंदर ये गलती लोग जो है कर रहे हैं। तो इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिए, 1 जनवरी 2020 के बाद जो इनवॉइसेस इशू होंगे या फिर वैसे इनवॉइसेस जिसका क्रेडिट आप 1 जनवरी के बाद क्लेम करते हैं उस पे ही 10% का नियम लागू होगा। दिसंबर महीने का इनवॉइस है, दिसंबर की रिटर्न में ही आप क्लेम कर रहे हैं, भले ही आप 1 जनवरी के बाद उसे फाइल करें, 20 जनवरी से पहले क्रेडिट आपको 20% के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है, रूल 36(4) के रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए 10% के हिसाब से नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि काफी लोगों को दिक्कत जो है इस वजह से आ रही थी।
चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि दिसंबर 19 की 3B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है उसमें 10% क्लेम करना है या 20% वाला नियम लागू करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।